नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नौकरी एग्जाम वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन पर आधारित पार्ट थर्ड में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर सहित आपके सामने हल प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आने वाले CTET दिसंबर 2019 के प्राइमरी लेवल के एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एक बार इसके निर्देश देख लेते हैं। निर्देश हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। प्रश्न नंबर 61, हम सभी पुरानी कुआओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं को सूखने के संभावित कारणों को चुनिए। कथन ए, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। कथन बी, पेड़ों कुओं आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक दी गई है। सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन एक बी सी डी सही है, ऑप्शन दो सी डी ए सही है, ऑप्शन तीन ए बी डी सही है, ऑप्शन चार ए बी सी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न के संदर्भ में ए बी और डी सही है, यानी जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहां नहीं है। बी, पेड़ों और कुओं आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार और सीमेंट से ढक दी गई है। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 62, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि। ऑप्शन ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ऑप्शन दो, यह प्रशिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन नंबर 3, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन नंबर 4, CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। प्रश्न नंबर 63, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 अबू धाबी, ऑप्शन 2 बर्लिन, ऑप्शन 3 थिम्पू, ऑप्शन नंबर 4 काबुल। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अबू धाबी में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल नौकरी एग्जाम वाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 64, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि। ऑप्शन एक, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन दो, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 3, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सा एक वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ऑप्शन एक आवास, ऑप्शन दो हम चीजें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 काम और खेल, ऑप्शन नंबर 4 भोजन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 काम और खेल। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है काम और खेल, जबकि आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, भोजन, ये सभी इसके अंतर्गत। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच है। ऑप्शन एक, पर्यावरण अध्ययन संबंधी मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन दो, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है।
ऑप्शन ए बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन बी बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, ऑप्शन चार बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ऑप्शन है एक केवल डी, दो केवल ए, तीन केवल ए और डी, चार ए सी और डी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, ए सी और डी प्रश्न के संदर्भ में सही है। प्रश्न नंबर 68, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन एक पाठ्य पुस्तक का पठन, दो शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, तीन कक्षा दर्शन, चार किस्से कहानियां। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार किस्से कहानियां। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ऑप्शन एक पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन दो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ऑप्शन नंबर तीन पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऑप्शन नंबर चार पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन नंबर तीन पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह पर्यावरण अध्ययन के संबंध में गलत है। जबकि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, यह पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच है। जबकि पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं बल देता है, यह गलत है। प्रश्न नंबर 70, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संकलन करने का उद्देश्य है। कथन ए बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, कथन बी बच्चों को खोजने का अवसर देना, सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, डी बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। ऑप्शन है केवल सी, ऑप्शन दो बी सी डी, ऑप्शन तीन ए बी सी, ऑप्शन चार केवल डी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, प्रश्न के संदर्भ में कथन ए बी और सी सही है। प्रश्न नंबर 71, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। कथन ए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है, और कथन बी यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सी यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, डी यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। ऑप्शन एक ए बी सी, ऑप्शन दो बी सी डी, ऑप्शन तीन केवल सी और डी, ऑप्शन चार केवल बी और सी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, प्रश्न के संदर्भ में कथन नंबर ए बी और सी सही है, यानी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक शिक्षक की स्रोत नहीं है, बी यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का कौशल विकास करेगा, सी यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का भी अवसर देगा। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए सहभागिता, ऑप्शन दो याद करना, ऑप्शन तीन प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर चार न्याय और समानता के प्रति सरोकार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो याद करना। प्रश्न नंबर 73, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के अवसर देना चाहिए, स्वयं आकलन का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर एक सीखने के समान आकलन, ऑप्शन नंबर दो सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर तीन सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर चार सी सी ई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक सीखने के समान आकलन। प्रश्न नंबर 74, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको याद प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। कथन एक यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, कथन बी यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, कथन बी समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, डी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्शन है एक केवल सी और डी सही है, दो केवल ए और सी सही है, तीन केवल बी और डी सही है, चार केवल ए और बी सही है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार केवल प्रश्न के संदर्भ में ए और बी कथन सही है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है।
ऑप्शन एक परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन दो बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ऑप्शन नंबर तीन बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर चार बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं एवं परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, जबकि परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण या विकास करना सभी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 76, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। कथन है ए अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण, डी प्रयोग करना। ऑप्शंस हैं प्रश्न के, ऑप्शंस केवल ए और बी सही हैं, दो केवल ए और सी, तीन केवल ए और बी, चार केवल डी सही है। प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, प्रश्न के संदर्भ में कथन संख्या ए बी और सी सही है, यानी अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 77, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, ऑप्शन एक अवलोकन, ऑप्शन दो जांच सूची, ऑप्शन नंबर तीन अधिविन्यास, ऑप्शन नंबर चार लिखित प्रश्न। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, रेटिंग स्केल में अवलोकन का प्रयोग या अवलोकन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 78, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। कथन बी, इस जगह को बांस या खतपरवार जंगल उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। सी, खत पतवार या जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। डी, इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। कथन है सही कथन है या है, ऑप्शन एक डी, ऑप्शन दो बी और सी, ऑप्शन नंबर तीन ए और डी, ऑप्शन नंबर चार केवल ए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, प्रश्न के संदर्भ में केवल कथन नंबर ए सही है, यानी फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 79, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर मिट्टी लकड़ी और चूने से बनाए हैं, यह घर दो मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं, वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं, सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है, यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश या राज्य के हैं, ऑप्शन एक मेघालय, ऑप्शन नंबर दो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर तीन जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर चार अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, इस तरह के घर जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 80, आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को वे रंग हैं, ऑप्शन एक हरा और पीला, ऑप्शन दो नारंगी और लाल, ऑप्शन नंबर तीन काला और सफेद, ऑप्शन नंबर चार बैंगनी और नीला। सही उत्तर है तीन, काला और। प्रश्न नंबर 81, कैंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण चुनिए। कारण ए, कैंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी, कैंचुआ खतपरवार खाते हैं, इनके मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी, कैंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी, कैंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। कथन ऑप्शन है एक बी सी डी सही है, ऑप्शन दो केवल सी डी और ए सही है, तीन केवल ए और सी सही है, चार ए बी सी सही है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, प्रश्न के संदर्भ में केवल सी डी और ए कथन सही है। प्रश्न नंबर 82, आदिवासी हजारों साल से कांसे यानी ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है, कांसे के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन एक यह पीतल,
ब्रास और तांबे का मिश्रण है। ऑप्शन दो, यह तांबे कॉपर जस्ता जिंक और एल्युमिनियम का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर तीन, यह तांबे कॉपर और टिन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर चार, यह एल्युमिनियम और तांबे कॉपर की भांति एक तत्व है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, यह यानी यह तांबे कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, यानी कांसा जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं तांबे कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 83, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, टैपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन एक पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर दो बिहार, ऑप्शन नंबर तीन तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर चार केरल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, केरल। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल का प्रिय या प्रमुख भोजन है। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन एक होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। ऑप्शन नंबर दो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। ऑप्शन नंबर चार दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन नंबर चार दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहारों का ग्रुप है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? ऑप्शन एक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर दो केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर तीन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर चार कर्नाटक, केरल, गुजरात। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, कर्नाटक, केरल और गुजरात के जो राज्यों के समूह के जो समुद्र तट हैं वो अरब सागर पर हैं। कर्नाटक, केरल और गुजरात के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित। प्रश्न नंबर 86, हमारे देश के मानचित्रों में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ऑप्शन नंबर दो उड़ीसा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर तीन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन नंबर चार उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, भारत के मानचित्र में झारखंड उड़ीसा के उत्तर में स्थित। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन एक मोम, ऑप्शन नंबर दो ग्रीस, ऑप्शन नंबर तीन कोयला, ऑप्शन नंबर चार डीजल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न नंबर 88, कोई लड़का गांव मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 मडगांव से चली, अगले दिन 7:15 नगर कोइल पहुंची। यह इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, तो रेलगाड़ी की औसत चाल होगी 53 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 89, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ऑप्शन एक वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ऑप्शन दो वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर तीन यह भूमि का एक मात्रक है जिसकी अभी कल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर चार वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर × 100 मीटर होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, टिन वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। प्रश्न नंबर 90, यदि एक्स पर स्थित, यदि आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर पर है, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूर है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन एक ठीक दक्षिण, ऑप्शन दो ठीक पूर्व, ऑप्शन तीन ठीक दक्षिण पूर्व, ऑप्शन चार उत्तर पश्चिम। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, आपके घर की ठीक ठीक दिशा जो होगी वो दक्षिण पूर्व की दिशा होगी। प्रश्न का हल कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, ये मान
दोस्तों प्रश्न का हल कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये घर है जहां पर हम खड़े हुए हैं एक्स पॉइंट पर, एक्स से हम चलते हैं ए की तरफ 30 मीटर, फिर वहां ए से चलते हैं बी जो कि ए के ठीक पश्चिम में है, 40 मीटर यहां पर हम चलते हैं, बी पर पहुंच जाते हैं। बी से फिर हम चलते हैं सी पॉइंट सी की तरफ जो कि बी के ठीक 30 मीटर पर है, और अंत में हम पहुंचते हैं सी से पॉइंट वाई पर जो विद्यालय का पॉइंट है। इस तरह से हम वाई और एक्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस चलते हैं तो ये डिस्टेंस दक्षिण पूर्व की दिशा में कैलकुलेट होती है। तो इसलिए प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने प्रश्न 61 से 90 प्रश्नों के उत्तर आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। आशा करते हैं ये दिसंबर 2019 में आने वाले सीटेट में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करने के साथ ही आपको सब्सक्राइब के लाल बटन के सामने आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाना है, जिससे आने वाली नई वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर नई वीडियो के आने तक।